नमस्कार, आदाब। सानिध्य लंदन के इस अदबी सांस्कृतिक और कलात्मक मंच पर, स्टेज पर आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम। एक शाम फिराक के नाम सानिध्य की एक बेहद खास पेशकश है, जिसे हम फिराक साहब की 125वीं सालगिरह पर मना रहे हैं। फिराक साहब का एक मशहूर शेर है, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। आज की महफिल में कई हैं जिन्होंने फिराक को देखा है और ये खाकसार भी उन्हीं में एक है। उर्दू और हिंदी के कई अदीब और नक्काद यहाँ मौजूद हैं, जिनका जिक्र मैं अभी करूंगा, पर यहाँ आज फिराक के बाद की और नई नस्ल के कई और भी हैं जिन्होंने फिराक को नहीं देखा और उनसे मुतासिर हैं। भोपाल में रहने वाली मशहूर गुलकार, भारत के टेलीविजन और रेडियो की ए ग्रेड आर्टिस्ट भारती विश्वनाथन फिराक को अपना बेहद पसंदीदा शायर मानती हैं। सर में साधा नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस मोहब्बत भरोसा भी नहीं, सर में साधा। और कोलकाता से नई पीढ़ी की हुनरमंद गायिका अनस्मिता घोष भी फिराक की गजलों से मोहब्बत करती हैं। रात भी कहानी थी, रात भी कहानी थी, हाय क्या चीज है जवानी, रात भी कहानी। और नई पीढ़ी की उत्तरा सुकन्या जोशी की पैदाइश हालांकि लंदन की है, फिराक का जादू इन पर भी तारी है। नर्म फिजा की करवटे दिल को दुखा के रे की करवटे दिल को दुखा के रह गई, ठंडी हवाएं भी तेरी याद दिला रह गई, नर्म फिजा की करवटे। जनाब गोपीचंद नारंग इस समय दुनिया दुनिया में उर्दू अदब के चोटी के नक्काद हैं। आज की महफिल में आने के लिए नारंग साहब का तहे दिल से शुक्रिया। नारंग साहब का कहना है कि फिराक की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब नहीं, इंसानी तहजीब की सदियां बोलती हैं। फिराक के लहजे में एक ऐसी खनक और घुलावट है कि बाद ये बात फौरन दिल पर उतर जाती है। फिराक के पाए के शायर सदियों में पैदा होते हैं, नारंग साहब का कहना है। बकौल डॉक्टर ख्वाजा अहमद फारूकी के, अगर फिराक न होते तो हमारी गजल की सरजमीन बेरौनक होती, उसकी मेराज इससे ज्यादा ना होती कि वो उस्तादों की गजलों की कार्बन कॉपी बन जाती या बेजान ईरानी परंपराओं की
नक्काली कर दी। फिराक ने एक पीढ़ी को मुतासिर किया, नई शायरी गढ़ी और हुस्न इश्क का शायर होने के बावजूद इन विषयों को नए नजरिए से देखा। फिराक साहेब का ताल्लुक गोरखपुर से था, जहां वे 28 अगस्त 1896 में पैदा हुए। फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय था। उनके वालिद गोरख प्रसाद जमींदार थे और गोरखपुर में वकालत करते थे। वो शायर भी थे और इब्रत उनका तखल्लुस था। वो जमाना था जब गोरखपुर उर्दू शायरी के लिए जाना जाता था। प्रेमचंद उस जमाने में गोरखपुर में थे और फिराक के साथ उनके घरेलू संबंध थे। प्रेमचंद ने ही फिराक की आरंभिक गजलें सब छपवाने की कोशिश की और जमाना के संपादक दया नारायण निगम को भी। उर्दू और फारसी की तालीम घर पर हासिल करने के बावजूद फिराक के जहन में वेद, पुराण, गीता और रामायण का फलसफा पैदस था। मैंने खुद फिराक साहब को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में ये कहते हुए सुना है कि मैंने दुनिया के बेहतरीन अदब का जायजा लिया है, पर जान लीजिए कि तुलसीदास के रामचरितमानस से बड़ा लिटरेचर नहीं जो एक गंवार और अदीब दोनों की जुबान और दिलों में है। उनका मानना था कि अदब की जुबान आम और सरल होनी चाहिए। फिराक की शायरी बात की गवाह है कि उनकी निजी जिंदगी बेहद नाखुशगवार गुजरी। ये तो नहीं कि गम नहीं, हाँ मेरी आंख नम नहीं, तुम भी तो तुम नहीं हो आज, हम भी तो आज हम नहीं। फिराक आजादी के आंदोलन में भी शरीक हुए, महात्मा गांधी से मिले, 1920 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 18 माह जेल में गुजारे। 1922 में वो कांग्रेस के अंडर सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए। नेहरू खानदान से उनके गहरे संबंध थे और इंदिरा गांधी को वो बेटी कहकर बुलाते। पर आजादी के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक सेवाओं को भुनाया नहीं, वे मुल्क की मोहब्बत में सियासत की मोहब्बत, सियासत उनका मैदान नहीं था। मैं बस अपने को यहीं पर रोकना चाहूंगा और मैं जाना चाहूंगा जनाब नारंग साहब के पास और हम लोग सुनना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं फिराक साहब के बारे में। गोपीचंद नारंग साहब, मेरी तरफ से आप सबको आदाब और नमस्कार। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जोशी साहब, आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है कि आपने, आप में ऐसी कशिश और जज़्बियत है कि मुझ जैसे शख्स को जो हो आप तकरीबन गोशागीर हो चुका है आपने खींच निकाला। और अगरचे कभी कभी मजबूरी से इन दिनों में जूम के प्रोग्राम में शरीक होना पड़ता है जोशी साहब जैसे मोहब्बत करने वालों को इनकार करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये लोग मोहब्बत से भरे हुए किसी उज़र को मसमू नहीं करते। देखिए आपने सबसे पहले फिराक साहब का शेर पढ़ा, आप में से बहुत से जैसे कि जिक्र किया जोशी साहब ने इलाहाबाद के जमाने से हैं और आपने उनको देखा और उनको सुना भी और उनकी सोबतों का फैज भी उठाया। ले फिराक अपने शेर में एक और बड़ी बात कह रहे हैं, आने वाली नस्लें, यानी न सिर्फ 21वीं सदी 22वीं 23वीं, जैसे गालिब को, जैसे बेदिल को, जैसे खुदा सुखन मीर तकी मीर को, जैसे इकबाल को, जैसे फैज अहमद फैज को, मौत के बाद उनका ग्राफ बराबर बढ़ रहा है। फिराक साहब का ग्राफ भी उनकी मकबूलियत का बराबर बढ़ रहा है। ये जो एनिवर्सरी आप लंदन में मना रहे हैं, दूर दराज इलाहाबाद से कितना फासला होगा,
और उनका कलाम आज भी गाया जाता है और गूंजता है, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी, हम असरो यानी कंटेम्पररीज, तुमसे तो मैं मुखातिब हुआ हूं, जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा था। फिराक साहब ने हजारों शेर कहे, गजल में खूबी है और उर्दू शायरी में भी कि हर मौके का शेर निकल आता है। मैं जरा अपने मौके के एक शेर में आपको शरीक करता चलूं। इंशा का शेर है, कमर बांधे हुए, इसमें यावर अब्बास साहब शामिल नहीं होते, वो तो अब मेरे ख्याल दूसरी सेंचुरी भी पूरी करेंगे, खुदा करे, मैं दुआ करता हूं। यानी कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे, उन तैयार बैठने वालों में मैं भी हूँ। फिराक साहब को याद करते हुए, उनके बारे में कुछ अर्ज करते हुए, जितना भी कहा जाए वो कम है। बेशक वो गजल के शायर थे, बुनियादी तौर पर कहा जाता है वो गजल के शायर थे, उन्होंने नज़में भी लिखी और जैसी रुबाइयां उन्होंने लिखी उर्दू में कोई नहीं लिख सकता। गजल में भी उनकी आवाज में इनफरादियत थी, हिंदुस्तानियत थी, लेकिन हिंदुस्तानियत क्या मीर तकी मीर की आवाज में नहीं थी? बातें हमारी याद रहें, फिर बातें न, बातें हमारी याद रहें, ये बातें यदि पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारी। यहाँ फिराक साहब की बातें भी हमेशा याद रहेंगी और बार बार कोट की जाएंगी, बार बार लोग मिल बैठेंगे, उनको म्यूजिक में भी सुनेंगे, म्यूजिक से उनको एक खास हम आहंगी थी उनकी गजलों को। लेकिन मैं उनकी गजल का जिक्र करने से पहले मुख्तसर, उन्होंने नज़में बहुत कम कही, लेकिन जब उनको ज्ञानपीठ दिया गया तो ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल एहतशाम हुसैन साहब को सौंपी गई कि उनकी शायरी का, क्योंकि किताबें बहुत बिखरी हुई थी, कलाम बहुत बिखरा हुआ था, उनके कलाम में सच्ची बात है कि बुलंद पस्त भी बहुत है, तो एक ऐसा मजमुआ तैयार कर दे। और ये जो गुले नगमा है उनका खास मजमू, उसमें उनकी नज्मों में एक अजीब व गरीब नज्म मिलती है। मेरा ख्याल है कि ऐसी नज्म पूरी उर्दू शायरी में किसी ने नहीं कही। मैं चाहता हूं कि इस वक्त बात को शुरू करने से पहले आप गजल के शायर के तौर पर तो फिराक को जानते हैं, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना है और हम भूल गए हूं ऐसा भी नहीं, लेकिन उनकी एक नज्म अजीब और गरीब है और जैसा मैंने कहा यूनिक है। इसमें पूरा जो हिंदुस्तान का कल्चर है गंगा जमनी और जो प्लूरलाइजेशन है हमारी तहजीब की खास निशानी, उसके कुछ शेर आपको सुनाता चलूं, फिर मैं दो चार लफ्ज गजल के बारे में, रुबाई के बारे में। फिराक ने तो जो भी काम किया, अजीब और गरीब काम किया और उस पर अपनी छाप लगा दी और तनकीद भी ऐसी लिखी
खुतबूत भी ऐसे थे, आखिर में उनका जिक्र करूंगा। पहले इस नज्म का नाम है हिंडोला। ये फिराक के बचपन पर है। आप इसके बाद शेर, ये बहुत लंबी नज्म है, तकरीबन 100-150 शेर होंगे इसमें। मैं एक 10-15 शेर आपको सुनाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वो नज्म के भी कितने बड़े शायर हैं, जिसको अभी पूरी तरह देखा और परखा नहीं गया। जोशी साहब और आप सारे ख्वातीनों हजरात, जरा पूरी तवज्जो से इसको सुनिएगा और थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को बर्दाश्त कर लीजिएगा। दयारे हिंद था गहवारा, याद है हमदम, बहुत जमाना हुआ, किसके किसके बचपन का। अब देखिए शेर, क्या शेर निकाले फिराक ने। जोशी साहब, इसी जमीन पर खेला है राम का बचपन जी, राम ही से शुरू किया, जो आप तुलसीदास का जिक्र कर रहे थे, उनके तो बहुत आशिक थे और जबानी सुनाते थे उनको बरबेट। इसी जमीन पर खेला है राम का बचपन, इसी जमीन पर उन नन्हे नन्हे हाथों ने किसी समय में, सोचिए तसव्वुर कीजिए, किसी इसी जमीन पर उन नन्हे नन्हे हाथों ने किसी समय में धनुष बाण को संभाला था। इसी दयार में देखी है कृष्ण की लीला, यही गरुड़ों में सीता सलोचना राधा, किसी जमाने में गुड़ियों से खेलती होंगी। जरा सब कुछ भूल कर आप उसी जमाने का तसव्वुर करें, उसी में पहुंच जाएं। किसी जमाने में गुड़ियों से खेल, यही जमाना यही दरिया गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र पहाड़ हिमालय जंगल बाग, यही हवाएं यही सुबह शाम सूरज चांद, यही घटाएं यही बर्फ रात व कौस कुज़ा, यही के गीत रिवायात मौसमों के जुलूस। हुआ जमाना के सिद्धार्थ कहते गहवारे गौतम बुद्ध, इन्हीं में आग खुली थी अशोक आजम की, इन्हीं नजारों में बचपन कटा था विक्रम का। सुना है भरतरी भी इन्हीं से खेला था, भरत अगस्त कपिल व्यास पाशी कौतल्या जनक वशिष्ठ मनु वाल्मीकि विश्वामित्र। और कीजिए उनके जहन का, उनकी मालूमात का और उनकी याददाश्त का, और किस तरह मोती परो दिए हैं कनाड हो गौम हो रामानुज कुमार अलभट्ट मोहिंजो दाड़ो हड़प्पा के और अजंता के बनाने वाले, यही बल्लमों से खेले थे हिंदुस्तान, इसी धरती पर इसी हिंडोले में भूभूति और कालिदास कभी हुमक हुमक के जुतुतला के गुनगुनाते थे। सरस्वती ने जबानों को इनकी चूमा था, यही के चांद और सूरज खिलौने थे उनके, इन्हीं फजाओं में बचपन पला था खुसरो का। इसी जमीन से उठे थे तानसेन और अकबर रहीम नानक को चैतन्य और चिश्ती ने। इसी तरह ये नज्म चलती है अजीब व गरीब। और आइए गजल के बारे में दो बात कर लें। फिराक की खूबी यह है कि उनकी जड़ें पूरे भारतीय साहित्य में, और वो कई जबानें जानते थे, अंग्रेजी तो उन्होंने बाद में पढ़ी, लेकिन अपने बचपन ही में वो मेरे ख्याल स्कूल के जमाने में संस्कृत हिंदी
अवधि, ब्रज और इन सारी बोलियां। देखिए एक बहस में उन्होंने बताया, जब नगमगी का जिक्र आया कि उर्दू शायरी को एक खास निस्बत संगीत से क्यों है। आपको पता है आपकी पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो गजल के बगैर या इस तरह की शायरी के बगैर, जमालियाती शायरी के बगैर, श्रृंगार रस की शायरी के बगैर, जो फिराक की शायरी की जान है, वो चल ही नहीं सकती। और देखिए एक शेर, एक मुद्दत से वो छोड़िए, हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। अब क्या खूबी है, दूसरे शायरों से अलग आवाज कैसे बनती है गजल में। फिराक के हाथ जो टेंशन है, हमसे क्या हो सका, वो एक जो स्प्लिट करते हैं मोहब्बत में वफा को और बेवफाई को, उस स्प्लिट में जो मिस्ट्री है, जो दरार है, वो आपके जहन को उसमें पहुंचा देते हैं, खोलते हैं। और इस तरह के शेरों से आनंद का, एस्थेटिक्स का और श्रृंगार का दरवाजा खोल दिया और गरज के काट दिए, जिंदगी के दिन है दोस्त, वो तेरी याद में हूं या तुझे बुलाने में, या बहुत दिनों में मोहब्बत को ये हुआ मालूम, जो तेरे हिजर में गुजरी वो रात रात हुई। और अभी जिक्र कर रहे थे जोशी साहब जवाहरलाल नेहरू से उनकी दोस्ती का, न सिर्फ उन्होंने कुछ साल उनके अंडर सेक्रेटरी के तौर पर कांग्रेस में काम किया, वो उनके साथ जेल भी गए और साल डेढ़ साल के बाद जब लौटे तो तब उन्होंने मन बना लिया कि सियासत उनका फील्ड नहीं। जेल के एक जमाने का शेर मुझे याद आ रहा है, रात का तसव्वुर कीजिए सन्नाटा, जैसे सेलुलर जेल है पोर्ट ब्लेयर की अंडेमान की, उस तरह की कोई जेल, खामोशी, पैरे पे चौकीदार है, गार्ड है, इक्का दुक्का सदाए जंजीर, जिंदा में, जिंदा मैंने कह था, जिंदा में रात हो गई। ये वाहिद शेर है जेल की जिंदगी पर, जो जेल की जिंदगी के उस सन्नाटे को आवाज देता है, जिसने, जिससे फैज अहमद फैज ने मोती चुन के ऐसी ऐसी शायरी की जिंदा नामा में जो महफूज है और मजमू में भी। फिराक फिराक है, उनकी आवाज, उनकी आवाज है। मैं अब बात को खत्म करने की तरफ बढ़ूंगा। हजार बार शेर देखिएगा, काफिया रदीफ देखिए, इसमें रस की कैफियत देखिए, आनंद की और इश्क की, और इसके साथ साथ जो दो मिसरों में वो टेंशन पैदा करते हैं और दो तसव्वुरात को लाके उनके दरमियान एक शिगाफ पैदा करते हैं मिस्ट्री का, वो अजीब गरीब है। हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई से है, कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। और इस गजल का ये अजीब और गरीब शेर है, फिर भी रदीफ है, रदीफ को फिर भी, यानी जो मिसरे में बानी है शेर में, ये फिर भी का लफ्ज उसको पलट देता है।
ये नुक्ता बहुत बारीक है, इस वक्त समझाने का नहीं मजीद मिसालों से, क्योंकि वक्त कम है। हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई से कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। अब ये शेर सुनिए, क्या यूनिक शेर है। किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, हजारों दोस्तियां कट, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। फिराक, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्नो इश्क तो धोखा है सब मगर फिर भी। फिर भी तो आएगा रदीफ है, मगर फिर भी, मगर काफिया है और गुजर के साथ सारी गजल में काफिया चलता। लेकिन फिर भी रदीफ को जैसे फिराक साहब ने निभा दिया और इस शेर को आसमान की जिस बुलंदी पर फिक्र की और जमालियात की और श्रृंगार रस की के इश्क में, इश्क दीवानगी तो है, गालिब ने कहा है, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, खलल तो है लेकिन ये खलल हमेशा नहीं रहता, इसमें तब्दीली, इसमें कई शेड हैं, वफा के बेवफाई के, खुशी के, रंज के, दुख के, सफरिंग के। ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब मगर फिर भी। खैर मैं इसको छोड़, अब आपको उनकी एक आध रुबाई सुनाता हूं और फिर बात को खत्म करता हूं। जैसी रुबाइयां रूप में लिखी हैं फिराक ने और हिंदुस्तानी घरेलूपन की और जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ विमन है, हमारे एंशियंट इंडिया का पुराण, अब तो कॉलोनियलिज्म के बाद हमारे जहन ही खराब हो गए। अब तो यानी फेमिनिज्म की तहरीक की जरूरत पड़ती, औरत के हकूक का जिक्र किया जाता है। हिंदुस्तान में जो तसव्वुर था औरत का, उसके बगैर आप कोई यज्ञ, कोई इबादत, कोई पूजा पूरी नहीं करते। और फिराक के का जो हुस्न का तसव्वुर है वो उसका जादू इन रुबाइयों में सर चढ़ कर बोलता है। मोती की खान, रस का सार है बदन। फातमी साहब आप हैं कहीं, और यावर अब्बास साहब जी दोनों, हमारे जोशी साहब और सुभान अल्लाह कैसे कैसे लोग हैं। जरा इस रुबाई को देखिएगा, मैं दो एक रुबाइयां सुनाऊंगा जी। मोती की खान, रस का सागर है बदन, दर्पण आकाश का सरासर है बदन। अंगड़ाई में राजहंस तोले हुए पर, या दूध भरा मान सरोवर है बदन। वाह क्या कैफियत है, या ढलकता चल दमकते सीने पे अलक। अलका भी बैठी हुई है। ढलकता चल दमकते सीने पे अलक, पलकों की ओट मुस्कराहट की झलक। काफी है देखिए कैसे मिलाते हैं फिरा, वो माथे की कहकशां, वो मोती भरी मांग, वो गोद में नन्ना सा खुमकता बालक। इसको कहते हैं रूप और इसको कहते हैं रूप। एक आखिरी, अब ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन वोमन जो किसी दुनिया के दूसरे कल्चर में नहीं मिलता। औरत सिर्फ माशूक ही नहीं, औरत सिर्फ माँ ही नहीं,
औरत बीवी भी है, औरत बहन भी है। औरत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बगैर जिंदगी का कोई तस्वुर मुमकिन ही नहीं है। ब्याहता, फिर ये अक्सर उन्होंने कहा है, फिराक ने इशारे किए हैं, तुम मुखातब भी हो, करीब हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, या जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। यानी खूबसूरती जो है या कशिश जो है वो श्रृंगार रस में औरत की कभी कम नहीं होती है। ब्याहता, शादी शुदा है, पर रूप अभी कुंवारा है। ब्याहता को कुंवारा या कबीर कह सकता है या फिराक कह सकता है, पर अदा जो भी है दोशीला है। अब सुनिएगा ये आखिरी रुबाई के दो शेर, दो मिसरे। वो मौत भरी मांग भरी गोद भरी कन्या है, सुहागन है जगत माता है। औरत को जगत माता कहा गया, जननी कहा गया। तो ये सारी रुबाइयां बार बार पढ़ी जाएंगी और तुम्हें हमेशा याद रहेंगी। फिर आपने तो जिस भी मैदान में कदम रखा, अंदाजे उन्होंने तनकीदें लिखी, वो जो ये अंग्रेजी शायर हैं वर्ड्सवर्थ कीट्स वगैरह, इन्हें पढ़ाए थे और उन्हें अजबर थे, हाफजा भी उनका गजब का था। अंदाजे के नाम से जो किताब लिखी है, हाँ, और ऐसे शायरों पर लिखी है जिनको गालिब के मुकाबले में, मीर के मुकाबले में वो कर दिया गया, नजंद कर दिया गया। लेकिन फिराक ने अंदाजे खास तौर पे मुसफ़ी को उनका मजमून, और मैं इसी के साथ साथ ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। फिराक की शख्सियत हमा पहलू है और फिराक दुशाई में एक तरह से ऐसी आवाज है जैसी कभी हमेशा गूंजती रहेगी और जिनकी शायरी हमेशा दिलों को खींचती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चंद लफ्जों को सुना, ऐसी महफिल आरास्ता की। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और इन लफ्जों के साथ जोशी साहब महफिल आपके हाथ में छोड़ता हूँ।